हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा जो फर्स्ट जो सेशन था वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन हमने 1 मार्क के लिए चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। और आज जो है हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए चैप्टर वही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन सेशन 2। हेलो फ्रेंड्स, आप मेरा नाम है महेंद्र और आप जो देख रहे हैं वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स यूट्यूब पे हम चैनल चलाते हैं। और हमारा जो एम है चैनल का, जो हमारा जो एम है वो टीचर और स्टूडेंट का जो सेटिस्फेक्शन हो। हम इसलिए जो सिंपल जो टेक्निक है फिजिक्स की, वो सिंपल टेक्निक हम यहाँ पे स्टूडेंट को समझाते हैं और वही टेक्निक्स के साथ सिंप्लीफाइड कैसे टेक्निक रहता है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम फिजिक्स यहाँ पे स्टूडेंट को एजुकेटेड करते हैं फिजिक्स के लिए। ओके, तो उसके लिए अगर हमारे चैनल पे अगर नया यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, ऑन व्हाट द वैल्यूज ऑफ एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डिपेंड on in addition to the material of object on which the radiation is incident। ये इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो absorption coefficient, reflection coefficient और transmission coefficient it is depends upon the nature of the material। नेचर ऑफ द मटेरियल के होने के बाद भी कौन सी क्वांटिटी पे वो डिपेंड्स है, तो उसका जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, आंसर कैसा लिखना है डियर स्टूडेंट, the values of absorption coefficient, reflection coefficient and transmission coefficient depends on wavelength of the incident radiation, wavelength of the incident radiation in addition to material of object on which radiation is incident। ऐसा डियर स्टूडेंट पूरा आंसर लिखना है आपको। तो इसका आंसर क्या है, सिर्फ ऐसा यहाँ पे आंसर ऐसे नहीं लिखने का है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पूरा आंसर लिखना है डियर स्टूडेंट। दैट इज द वैल्यू ऑफ एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो इसके वजह से ही जो सर्टन जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो है उस सर्टन वेवलेंथ के लिए इट इज एक्ट एज एथरमेनस सब्सटेंस और इट इज एक्ट एज अ डायथर्मेनस सब्सटेंस। हमने इसको स्टडी डिटेल में स्टडी किया है और इसका भी हमने वीडियो अपलोड किए हुए है डियर स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के, आप उस पर देख सकते हो। व्हाई द टेम्परेचर ऑफ ऑल बॉडीज remain constant at the room temperature, why the temperature of all bodies remain constant। यानी जो इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है टेम्परेचर की, वो रूम टेम्परेचर पे क्यों आता है, ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो रूम टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे ऑल द बॉडीज एब्सॉर्ब और रेडिएट दी एनर्जी, हीट एनर्जी, उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। लेकिन तो उनका जो रेट ऑफ इमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो रहता है आर दी सेम एट दी रूम टेम्परेचर। यानी इसका आंसर कैसा होगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर कैसा होगा, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ ऑल बॉडीज रिमेन कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ से शुरू करना है डियर स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ एट रूम टेम्परेचर, because of at room temperature rate of emission of radiation and rate of absorption of radiation, rate of emission of radiation and rate of absorption of radiation are the same, are same. उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एट द रूम टेम्परेचर रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन आर सेम, आर सेम. तो इसके वजह से जो टेम्परेचर ऑफ ऑल बॉडीज है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. दैट इज अटेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, उसका थर्ड जो आंसर, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अबाउट व्हाट टेम्परेचर ऑफ ऑल बॉडीज रेडिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अबाउट व्हाट टेम्परेचर ऑल बॉडी रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कौन से टेम्परेचर के अबाउट जो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करते हैं, रेडिएट्स करेंगे. तो उसका जो आंसर होगा, इट इज वेरी सिंपल आंसर, अबाउट व्हाट टेम्परेचर ऑल बॉडी रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू आपको पता है डियर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस. और माइनस जो साइन है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के लिए है. क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के लिए है. ओके, तो उसके बाद अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल बॉडीज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यानी इसका आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट, सिर्फ ऐसा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लिखने का नहीं है, पूरा का पूरा आंसर लिखने का है डियर स्टूडेंट. अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल बॉडी रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, तो ये थे हमारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन. अब उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल बेसिस 1 मार्क के क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट. तो इसके लिए हमें फॉर्मूले से आंसर निकालना ही पड़ेगा, उसमें हम ऐसे थियोरेटिकल गेज नहीं लगा सकते. ओके, तो पहला उसके बाद का जो न्यूमेरिकल बेसिस जो क्वेश्चन है वो है, इफ द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल, पास्कल ये प्रेशर का यूनिट है डियर स्टूडेंट. ओके, और हमें क्या कहा गया है? फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ओके, तो हमें न्यूमेरिकल्स में डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, यानी रो की वैल्यू हमें दी हुई है, रो 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. उसके बाद हमें दिया गया है प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू है 10⁵ पास्कल. और उसके बाद हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी वीआरएमएस की वैल्यू, वीआरएस की वैल्यू हमें निकालना है. और हमें पता है डियर स्टूडेंट, बहुत ऐसा इजी ऐसा फॉर्मूला है, दैट इज P = 1/3 ρV²RMS. तो इससे फॉर्मूला क्या होगा? वीआरएमएस that is equal to √3P/ρ. बहुत ऐसा सिंपल ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट. ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया. अब फॉर्मूले से सिंप्लीफिकेशन कैसा करेंगे? सिंपल हमें आंसर निकालना है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा? ओके, तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां पे क्या होगा 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.25। रो की वैल्यू कितना है 1.25। ओके, अब 1.25 10 के पावर में हम 125 × 10⁻⁻² लिखते हैं और -2 न्यूमरेटर के जाने के बाद 10⁻² होगा यानी 3 कन्वर्टेड इनटू 300 डिवाइडेड बाय 125। ओके, 300 डिवाइडेड बाय 125 अगर 25 ने अगर हमने उसको डिवाइडेशन अगर किया तो उसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁵ और 12 डिवाइडेड बाय 5 अगर इसको हमने 12 को 5 से अगर डिवाइडेड अगर करते हैं तो यहां आएगा 2.4 इंटू 10⁵। 2.4 इंटू 10⁵ और 2.4 ये 5 को हमें 2 के पावर में 2 के मल्टीपल कन्वर्ट करना है। इसको हम 6 या 4 कर सकते हैं। इसको अगर 4 अगर किया तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड से, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा 1/√24 × 10⁻2 1/√24 × 10⁻2। ओके, तो 10⁻4 आएगा, स्क्वायर रूट के बाद क्या होगा 10⁻2 होगा और 1/√24 का जो 1/√ है 25 अगर होते तो 5 आता था यानी 5 के करीब करीब होगा, तो 1/√24 अगर हमने स्क्वायर रूट में देखा लॉग के लॉग टेबल में तो हमें मिलेगा और हमें पता भी है डियर स्टूडेंट 4.8989 इंटू 10⁻2 इसका स्क्वायर रूट आएगा। ओके, और उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो होगा 489.89 मीटर पर सेकंड। इसमें आंसर आएगा डियर स्टूडेंट इसका 489.89 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। उसके बाद फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 लीटर ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर हमें दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका हमें फॉर्मूला निकालना है काइनेटिक एनर्जी का 3 लीटर ऑफ गैस। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा हमें फॉर्मूला निकालना है। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3/2 pV। सिंपल ऐसा फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यही फॉर्मूले से आता है। ओके, तो ये फॉर्मूले में अगर हमने फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है अपना 1/2 mv²rms। सिंपल फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का। v²rms की वैल्यू अगर हमने 3p/ρ अगर सब्स्टिट्यूट अगर की 1/2 3p/ρ तो मास और डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ m/ρ के यहाँ हम क्या मिलेगा वॉल्यूम मिलेगा v मिलेगा यानी 3/2 p/v यानी ये फॉर्मूला आ गया डियर स्टूडेंट। सिंपल ऐसा फॉर्मूला था। ओके, तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, p की वैल्यू दी हुई है हमें 1.013 इंटू 10⁵ ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और उसके बाद 3 लीटर यानी वॉल्यूम का जो है वॉल्यूम हमें 3 लीटर दिया हुआ। हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का जो मीटर क्यूब का और लीटर का जो कन्वर्शन जो फैक्टर है हमें पता है दैट इज 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब में कितना होगा, दैट इज दी 10⁻³ मीटर क्यूब, दैट इज दी 10⁻³ मीटर क्यूब। सेंटीमीटर का अगर मीटर में करना है तो 10⁻⁻2 आएगा, -2 का क्यूब कितना होगा -6, और -6 प्लस 3 पावर 1000 का पावर कितना होगा 10⁻3, -6 प्लस 3 दैट इज 10⁻-3 मीटर क्यूब। ओके, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 3/2, पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵, और बी जो है वो कितना आएगा 3 इंटू 1 लीटर का कन्वर्शन 10⁻-3 और 3 लीटर का क्या होगा 3 इंटू 10⁻-3। ओके, तो 3/2 क्या होगा 1.5 आएगा, 1.5 इंटू 3 दैट इज द 4.5, 4.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻5। ओके, अब 4.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, अगर इसको अगर हमने मल्टीप्लीकेशन अगर किया यहां पे, अगर 4.5 अब 10⁵5 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 - 3 होगा दैट इज अ 10⁻2 आएगा डियर स्टूडेंट, 5 - 3 दैट इज द 10⁻2। अगर इसको अगर हमने 1.0 अगर सिर्फ कंसिडर अगर किया तो यहाँ कितना आता था 4.5 इंटू 1 दैट इज दी 4.5, और 4.5 इंटू 10⁻2 दैट इज दी 450। अब 450 से आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और इसको अगर हमने मल्टीप्लीकेशन अगर किया, और ऑब्जेक्टिव अगर हमें यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे होते तो हम अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालते थे। 450 से आंसर जो होता था उसको हम डायरेक्ट लिख लेते थे, और यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 455 अप्रोक्सीमेट कितना आएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 455 जूल कितना आएगा। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन और आपने सामने भी अगर लिखा है 455 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट लिखा है 455 जूल, कितना आएगा 455 जूल। ओके, तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर, न्यूमेरिकल का आंसर। और जो 6 जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल ऐसा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, हमें प्रेशर निकालना है, इसमें हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी थी। अब वही फॉर्मूला हमें यूज करके क्या करना है, हमें प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है, प्रेशर की वैल्यू निकालना है, और प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, तो इससे हम प्रेशर जो है वो फॉर्मूला क्या होगा वो हम निकालते हैं। तो वही फॉर्मूला लिखेंगे, प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1/3 ρC²r नहीं, यहाँ पे V² आएगा, V² RMS। ओके, V² RMS। ओके, और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 1/3 ρ की वैल्यू सेम है 1.25, रो की वैल्यू सेम है 1.25, और उसके बाद आरएमएस जो स्पीड दिया हुआ है, आरएमएस स्पीड जो है वो आरएमएस स्पीड की वैल्यू 489 है, यानी 489 का स्क्वायर करना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 489 इंटू 489। ओके, 1/3 रो 489 इंटू 489। ओके, और इसका जो 3 से अगर इसको अगर हमने मल्टीप्लीकेशन अगर किया, सॉरी 3 से इसको अगर हमने 489 को अगर डिवाइड अगर किया तो यहाँ पे आएगा 163, कितना आएगा 163, यानी हमें क्या मिलेगा 1.25 इंटू 163 इंटू 489, 1.25 इंटू 163 इंटू 489 अगर इसका हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो लॉग के टेबल से अगर हमने लॉग टेबल यूज करके इसका मल्टीप्लीकेशन किया उसका आंसर अगर आए तो उसका आंसर आएगा दैट इज द 99633 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा डियर स्टूडेंट 99633 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल 99633 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टैंडर्ड प्रेशर का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सेम है डियर स्टूडेंट 10⁵ पास्कल यानी करीब 1 लाख के करीब उसका आंसर स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू है और हमारा भी आंसर उसके करीब आएगा 99,633 करीब 1 लाख के करीब आया है। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा जो सेशन था हमारा सेशन 2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो अभी हम हमारे चैनल पे जितना ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सके उतना हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अब हम डेली के वीडियो अपलोड कर रहे हैं यानी आपका जो मोस्ट वेटेड जो चैप्टर है वो ज्यादा से ज्यादा कवर हम कर सके आपके एग्जाम के टाइम तक। तो इसलिए हम डेली वीडियो क्या कर रहे हैं अपलोड कर रहे हैं और यही सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपका बेनिफिट के लिए हम ये सब आप तक पहुंचा रहे हैं डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो और हमारा चैनल अगर वीडियो अगर हमारा पसंद कराया तो हमारा चैनल याद रखना है दैट इज द इक्विनॉक्स फिजिक्स। यूट्यूब पे अगर आपने इक्विनॉक्स फिजिक्स अगर सर्च अगर किया तो वो यूट्यूब पे भी आ जाता है और हमने जो चैप्टर जो लिए है थ्योरेटिकल जो पोर्शन हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, थर्मोडायनेमिक्स है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, मैटर जो रहता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, वो जो चैप्टर जो है 5 या 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं वीडियो के इससे। तो अगर आपने वो चैप्टर का कौन सा भी अगर आर्टिकल अगर डाल दिया और उसके पीछे अगर इकोनॉमिक्स फिजिक्स अगर डाल दिया तो आपको हमारा वीडियोज आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।